हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो फ्रेंड्स, अभी कुछ टाइम जो है नाइट का 11:25 हो रहे हैं। और फ्रेंड्स, जितनी भी मैं वीडियो बनाता हूँ अपने चैनल पर, जितनी भी मेरी वीडियोस पड़ी हुई हैं, वो सब वीडियो नाइट की हैं, क्योंकि मैं रात में फ्री होता हूँ, दिन में दुकान पर बैठता हूँ और फिर दिन में फ्री नहीं हो पाता हूँ। इसलिए मैं शाम 8 बजे से फिर जितना भी टाइम हो जाए, इसलिए मैं नाइट में ही वीडियो बनाता हूँ। बाई चांस ज़्यादा टाइम लग जाता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती है। सबसे पहले आज मैं जो बात करने वाला हूँ, वो इस बैटरी के बारे में बात करने वाला हूँ। ये बिल्कुल नई बैटरी है, कुछ दिन की या कुछ महीनों की चली हुई है। आप मान सकते हो कि इस बैटरी की जो ट्रैक्टर वाली बैटरी आती है या फिर कार वाली बैटरी आती है, तो उसकी 1.5 साल की गारंटी होती है। मतलब 18 महीने तक कोई भी फॉल्ट आता है तो वो आपको नई मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये गारंटी में बैटरी थी, कुछ महीनों की चली हुई थी। ये बैटरी फट गई है, कैसे फटी है वो आज की हम इस वीडियो में बताएंगे। और आपको क्या नहीं करना है जिससे आपकी बैटरी ना फटे, ऐसी फटने की जो बात है वो आपकी बैटरी, इन्वर्टर वाली बैटरी के साथ भी हो सकता है, आपकी कार वाली बैटरी के साथ भी हो सकता है, आपकी सोलर वाली बैटरी के साथ भी हो सकता है। तो आपको इन सब चीज़ों को कैसे ध्यान में रखना है, कैसे उसको जो है अच्छे से मैनेज करना है, कैसे उसको लगाना है, क्या करना है। तो सबसे पहले मैं आज आपको बता दूं, ये मैंने बैटरी सेल की थी, मेरी दुकान का लोगो लगा हुआ है, मेरी दुकान का स्टिकर लगा हुआ है। तो मैंने एक बैटरी जो ये जो है वो पिकअप पे रखी थी, मतलब पिकअप जो लोडेड गाड़ी आती है उस पे रखी थी। तो फ्रेंड्स, मैं नहीं था उस दिन, मेरा एक छोटा भाई है, उसने इस बैटरी को उस पिकअप में रखी थी। ठीक है, तो उसने क्या प्रॉब्लम्स करी, मतलब आप देख सकते हो, ये जो है एक तो ये माइनस वाला खूंटी हो गई, टर्मिनल हो गया, दूसरी तरफ ये प्लस वाला हो गया। तो ये प्लस वाला जो होता है ये मेन होता है, मतलब हमारा जो बॉडी में अर्थ होता है वो माइनस वाला का होता है। मतलब माइनस वाली जो खूंटी होती है उसका तार जो है वो पूरी बॉडी में करंट रहता है माइनस वाले का। दूसरी तरफ अगर प्लस वाली जो है, आप प्लस वाली खूंटी में लगाकर अगर बॉडी में कोई तार लगाओगे तो आपका उसमें मतलब एक करंट आएगा। तो फ्रेंड, ये प्लस वाली मेन होती है, ये डायरेक्ट सेल्फ में जाती है और बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर ये बॉडी से टकराएगी तो फिर या तो आपकी बैटरी फट जाएगी या तो फिर और कोई प्रॉब्लम हो सकती है, ये भी टूट सकती है। तो जब किसी कार में लगाते हैं या फिर ट्रैक्टर में लगाते हैं तो इसमें एक टर्मिनल लगता है, जो तांबे का आता है वो इसमें लगता है। ठीक है, अगर वो आपका अच्छे से कस गया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। वो जो था उसने हल्के से कसा तो वो ढीला रह गया, मतलब ढीला था तो ढीला होने की वजह से वो यहाँ से निकल गया। यहाँ से निकलने के बाद वो जो था वो बॉडी में इंजन से लगने के बाद उसने जो है वो यहाँ पर जो पिलगा दिया, मतलब इतना बीज जो है वो उस टर्मिनल ने हीट होके गर्म होके पिलगा दिया। तो फ्रेंड्स, अगर आप कभी भी बैटरी लगाओ, इन्वर्टर पर लगाओ या फिर सोलर पर लगाओ, जैसे लोगों के घर सोलर पैनल होता है तो उसके जो मेन तार आता है सोलर पैनल वाला, चार्जिंग वाला, तो उसको बहुत ज़्यादा जरूरी ध्यान से लगाएं, क्योंकि सोलर चार्जिंग का तार अगर ढीला रहेगा तो वो आपकी बैटरी को भी फाड़ सकता है, आपकी आगे भी लगा सकता है। ये सब जो है मैंने अपनी आंखों से देखा है कि आग ही लगते हुए फ्रेंड्स सोलर पैनल से। तो इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखें, आपको बहुत ज्यादा ध्यान में रखना होगा ये सब बातें, कि आपका जो भी टर्मिनल वगैरह है वो ढीला ना रहे, इन्वर्टर बैटरी का अगर इन्वर्टर का तार है तो वो लूज ना रहे, ढीला ना रहे। तो ये बिल्कुल न्यू बैटरी मतलब तो नहीं बोल सकते हम, बंदे ने कुछ महीने चला भी ली थी, 5 और 6 महीने, ये 80 Ah की बैटरी है। अब हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर कुछ रुकेगा नहीं, अगर हम कुछ लगाएंगे तो वो तेजाब निकलता रहेगा। और ये 1 साल बैटरी अभी सही है बिल्कुल, मैं अभी आपको करंट दिखाऊँ इस बैटरी में तो आप कहोगे कि हाँ बिल्कुल बैटरी सही है, लेकिन थोड़ा सा ये सेल जो है वो दम नहीं दे रहा है बैटरी, इसका मतलब बैटरी खराब हो गई है। मैंने उनको लिपफास्ट की बैटरी दे दी है इसके बदले में, अब दोबारा मतलब इसके बदले में नहीं, ये बैटरी ना तो चेंज होगी, ना तो मेरी चेंज होगी, ना मैं कस्टमर को चेंज करके दूंगा, बट मैंने उनको नई बेची है बैटरी लिपफास्ट की, वो नई मुझसे बैटरी ले गए क्योंकि बहुत अच्छा कस्टमर है, मेरे यहीं से बैटरी ले जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये नहीं करना है कि आपको कोई भी तार ढीला नहीं छोड़ना है, बैटरी में पानी डालते रहना टाइम टू टाइम, बैटरी की लाइफ अगर बैकअप बढ़ाना है फ्रेंड्स, तो मैं इसका भी आपको करंट नाप के दिखा देता हूँ। फ्रेंड्स देखो, आप इसमें जो करंट है बहुत करंट है फ्रेंड्स। और जो मैं अभी इतनी देर से आपको बता रहा था, जैसे ये टर्मिनल होता है, ये टर्मिनल तो ये प्लस वाली जैसे खूंटी है, ये हम इसमें मान लेते हैं ये प्लस वाली खूंटी है। ठीक है, इसमें से निकल के यहाँ से निकल के यहाँ पर लगा रहा वो, तो वो गर्म होने के बाद, जैसे इसमें से निकलने के बाद यहाँ पर लग गया और बॉडी में भी टच होता रहा, तो वो हीट होने की वजह से अंदर घुस गया है, इसलिए ये बैटरी जो है वो पूरी तरह से डेड हो गई है, खराब हो गई। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इसी तरह की बहुत सारी वीडियोज देखने के लिए मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। और तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट, गुड बाय, बाय बाय।